हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ तान्या गौतम। आज हम कवर करेंगे एनसीईआरटी क्लास सिक्स हनी सकल्स का चैप्टर नंबर 9। इससे पहले मैंने बाकी के सारे 8 चैप्टर्स की वीडियो अपने चैनल पे प्रोवाइड कर दी है। अगर आपने वो नहीं देखी है तो प्लीज़ उन्हें डेफिनेटली देखिए। और इसी के साथ हम शुरू करते हैं अपना आज का लेसन, जो कि है डेजर्ट एनिमल्स। डेजर्ट एनिमल्स, नाम सुन के ही पता चल रहा है कि जो रेगिस्तान में रहने वाले जानवर होते हैं, आज हम उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, जैसा कि हम सब जानते ही हैं, जो डेजर्ट्स होते हैं वहाँ पे पानी की कमी होती है, काफ़ी गर्म होते हैं और वहाँ की लाइफ हमारी नॉर्मल लाइफ से काफ़ी ज़्यादा अलग होती है। तो देखते हैं क्या चेंजेस होते हैं वहाँ के एनिमल्स में और हम वहाँ की लाइफ में। तो शुरू करते हैं। डेजर्ट्स एनिमल। डेजर्ट्स आर द ड्राइस्ट प्लेस ऑन द अर्थ एंड समटाइम्स गो फॉर मंथ्स और इवन ईयर्स विदाउट रेन। डेजर्ट्स जो होते हैं, बहुत ही सूखी हुई जगह है अर्थ में, जहाँ पे पानी की बहुत कमी होती है और कभी कभी वहाँ पे सालों साल बारिश नहीं होती है। बट इवन द डेजर्ट एनिमल्स कैन नॉट सर्वाइव विदाउट वाटर और फॉर लॉन्ग पीरियड इन स्क्राउचिंग सन, सो दे हैव टू फाइंड डिफरेंट वेज ऑफ कोपिंग विद हार्श कंडीशंस। पर जो डेजर्ट्स के जो जानवर होते हैं, जो डेजर्ट्स के एनिमल होते हैं, वो भी पानी के बिना नहीं जी सकते और बहुत ही लंबे पीरियड तक वो बहुत ही स्क्राउचिंग, मतलब बहुत ज़्यादा गर्म सन के नीचे रहते हैं। तो उनको अलग अलग तरीके ढूंढने पड़ते हैं इस तरह की डिफ़िकल्ट सिचुएशंस से फाइट करने के लिए। फॉर एग्जांपल, ग्रेबल्स स्पेंड द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द डे इन द कूल अंडरग्राउंड बरोस। जो ग्रेबल्स होते हैं वो थोड़ा चूहे के जैसे दिखने वाले एनिमल्स होते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो पूरा टाइम, क्योंकि दिन के टाइम धूप होती है, बहुत गर्म होता है, वो ज़मीन के अंदर ही रहते हैं, जिससे कि ज़मीन की ठंडक से वो अपना दिन आराम से निकाल सकें। एंड स्ट्रेंज इंसेक्ट्स कॉल्ड डार्कलिंग बीटल आर एक्सपर्ट एट कैचिंग ड्रॉप्स ऑफ मॉइस्चर ऑन देयर लेग्स, देन लिफ्टिंग देम इनटू द एयर अंटिल द ड्रॉप्स ट्रिकल डाउन इनटू देयर माउथ। बहुत अजीब तरह के एक कीड़ा होता है, उसका नाम होता है बीटल। वो बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट होता है। वो क्या करता है कि उसके जो पैरों पे जो पानी की बूंदें आ जाती हैं, वो क्या करता है, उसको अजीब ही तरह से हवा में उड़ाता है और फिर वो उसे अपने मुंह में ले लेता है। ठीक है, मुंह, और फिर वो उस पानी को पी जाता है, उस मॉइस्चर से उसकी प्यास बुझ जाती है। ठीक है, नॉट ऑल डेजर्ट्स आर एंडलेस सीज ऑफ रोलिंग सैंड्स ड्यून्स। लेकिन हर सारे जो डेजर्ट्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं। हमने कभी कभी देखा होता है जो रेत होते हैं, रेत के टीले जैसे बन जाते हैं ट्रायंगल शेप में, तो कुछ कुछ डेजर्ट्स ऐसे भी होते हैं जहाँ पे ये सब देखने को मिलता है। सम आर रॉकी और पेबली एंड डॉटेड विद स्मॉल बुशेस, वाइल अदर्स आर स्प्रिंकल्ड विद कलरफुल फ्लावर्स ड्यूरिंग द स्प्रिंग। कुछ डेजर्ट्स ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा पथरीले होते हैं, बहुत ज़्यादा पत्थर होते हैं वहाँ पे, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जहाँ पे छोटी छोटी सी झाड़ियाँ होती हैं और कुछ कुछ कलरफुल फ्लावर्स होते हैं जब स्प्रिंग का सीज़न आता है तब। तो सारे जो भी रेगिस्तान है वो एक दूसरे से अलग है, एक जैसे डेजर्ट्स नहीं है। सारे डेजर्ट्स की जो कंडीशंस हैं वो एक दूसरे से अलग है। देर आर मोर देन 2,300 डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्नेक्स अराउंड द वर्ल्ड, रेंजिंग फ्रॉम जस्ट 15 सेंटीमीटर लॉन्ग टू मोर देन 11 मीटर्स। हमारे पूरी दुनिया में 23,000 से भी ज़्यादा स्नेक्स हैं, अलग अलग वैरायटी के स्नेक्स हैं, और उनकी जो लेंथ होती है, उनकी जो लंबाई होती है, वो 15 सेंटीमीटर से 11 मीटर्स तक लंबी हो सकती है। सोचिए कितने छोटे से कितने बड़े तक हो सकते हैं वो। मोस्ट स्नेक्स आर क्वाइट हार्मलेस, बट देर आर फ्यू दैट आर सो पॉइजनस दे कैन किल अ ह्यूमन बींग विद जस्ट वन बाइट। कुछ स्नैक्स ऐसे होते हैं जो जहरीले नहीं होते हैं, वो हमारे, हम ह्यूमन्स को इतना नुकसान नहीं पहुँचाएंगे, लेकिन कुछ कुछ ऐसे होते हैं कि उन्होंने अगर हमें एक बार काट लिया तो बहुत मुश्किल है कि हम जिंदा बचें। मोस्ट स्नैक्स ले एग्स, बट देर आर मैनी विच गिव बर्थ टू देयर यंग इन द ड्राई रॉकी डेजर्ट ऑफ अमेरिका। लिव्स अ रेदर ईवल लुकिंग स्नैक विद अ वेरी बैड रेपुटेशन। बहुत से जो स्नेक्स होते हैं वो सिर्फ अंडे देते हैं, एंड बहुत से, और वो अंडे देके अपने बच्चों को पैदा करते हैं। लेकिन जहाँ अमेरिका की बात करें, वहाँ पे बहुत ज़्यादा ड्राई किस्म के और बहुत ही पथरीले किस्म के डेजर्ट्स हैं, तो वहाँ पे एक बहुत ही ईविल किस्म का स्नेक रहता है जिसकी बहुत ही बुरी रेपुटेशन है। मतलब बहुत ही बुरा होगा वो स्नेक, काफ़ी डरावना होगा, जस्ट इमेजिन।
इट्स फ्राइटनिंग रैटल एंड कैन बी हर्ड एज फार एज 30 meters अवे. इट कैन स्ट्राइक विद लाइटनिंग स्पीड. जो अमेरिका है वहाँ पे रैटल स्नेक रहता है और आप उसकी उसकी पूँछ में ना कुछ कुछ होता है, कुछ पत्थर जैसा कुछ, तो वो आवाज़ करता है जब वो चलता है, तो आप उसको 30 meters दूर से भी सुन सकते हो, ठीक है. और वो बहुत ही स्पीड से चलता है, जैसे लाइट की स्पीड होती है ना, पकड़ में ही नहीं आती, वो उसी तरह की बहुत ही तेज़ स्पीड से चलता है. बट द रैटल स्नेक और रैटलर एज इट समटाइम्स कॉल्ड प्रेफर्स टू अवॉइड पीपल इफ इट्स पॉसिबली कैन. लेकिन वो जो सांप है रैटल स्नेक, वो जितना ज़्यादा डरावना है वो उतनी कोशिश करता है कि वो ह्यूमन बींग्स से दूर ही रहे, उनके कॉन्टैक्ट में ज़्यादा ना आए. वो अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश करता है. इट होल्ड्स इट टेल्स अपराइट एंड रैटल द एंड वेन एवर इट इज़ डिस्टर्ब इन द होप दैट द इंट्रूडर विल गो अवे. वो अपनी पूँछ, मैंने आपको बताया ना उसकी पूँछ में कुछ कुछ होता है जिसकी वजह से बहुत आवाज़ करती है, वो कोशिश करता है कि अगर कोई उसके पास आ रहा है तो वो अपनी पूँछ से पहले ही इशारा कर दे कि तुम मेरे से दूर रहो, मेरे पास मत आओ. इंट्रूडर मतलब कोई घुसपैठिया जो ज़बरदस्ती घुसने की कोशिश कर रहा है. हाउएवर इट्स वार्निंग्स आर इग्नोर्ड एंड इट फील्स थ्रेटन्ड इट विल कॉइल रेडी टू बाइट. लेकिन अगर आपने उसकी वार्निंग्स उसकी चेतावनी नहीं सुनी तो वो गोल गोल घूम जाता है और वो कोशिश करता है कि और वो तैयार हो जाता है कि भाई अब तो मैं सामने वाले बंदे को काट लूँगा, अब कुछ भी हो जाए भाई, मेरे को जितनी वार्निंग देनी थी मैंने तो दे ली, अब नहीं मान रहा है बंदा तो ठीक है मैं काट लूँगा, भाई मुझे मत डिस्टर्ब करो, उसका ऐसा सीन होता है. बट द रेटलर इटसेल्फ कैन नॉट हियर द नॉइस ऑफ इट्स ओन टेल. सोचिए उसकी जो पूँछ की आवाज़ होती है रैटल स्नेक की, हम 30 meters से भी सुन सकते हैं लेकिन वो खुद अपनी पूँछ की आवाज़ नहीं सुन पाता है. लाइक मोस्ट स्नेक्स इट्स हियर थिंग्स थ्रू वाइब्रेशंस इन द ग्राउंड. बाकी के स्नेक्स की तरह वो भी जो ज़मीन की वाइब्रेशंस होती हैं, अर्थ की जो वाइब्रेशन होती है, उसी की मदद से कुछ भी सुन पाता है. इफ़ अ पर्सन वॉक्स नियर बाय द स्नेक कैन फील द मूवमेंट बट इफ़ द सेम पर्सन वर टू शाउट इट वुड नॉट हियर अ थिंग. अगर एक इंसान है वो चल रहा है, मूवमेंट कर रहा है, चल फिर रहा है, तो वो सुन लेगा क्योंकि वाइब्रेशन होगी, कुछ ना कुछ चहल पहल होगी. लेकिन अगर वही इंसान शांति से खड़ा है, बिल्कुल भी नहीं हिल रहा है, और अगर वो चिल्ला भी रहा है तो ये चीज़ उसको बिल्कुल भी सुनाई नहीं देगी, क्योंकि जो स्नेक्स होते हैं वो सिर्फ अर्थ की जो वाइब्रेशन है उन्हीं को सुन के अंदाज़ा लगा सकते हैं, ठीक है. रैटल स्नेक्स आर वेरी कॉमन and widespread animals living right across American continent from Canada to Argentina. जो rattlesnakes हैं वो American continents में पाए जाते हैं. अमेरिका के दो continent हैं, North America, South America. तो ये जो Canada है ये North America में आता है और ये जो Argentina है ये South America में आता है. तो यहाँ पर ये rattlesnakes ज़्यादा पाए जाते हैं. They feed on a variety of prey, including mice, wolves, rat, chipmunks and many others. ये जो होते हैं ये शिकार करते हैं, प्रे मतलब शिकार करते हैं चूहों का और चिपमंग्स यानी कि जो गिलहरी जैसी दिखने वाली होती हैं ये, इनका शिकार करते हैं, ठीक है. और जो छोटे छोटे एनिमल्स होते हैं उनका शिकार करते हैं. रैटल स्नेक्स किल देयर प्रे विद वेनम. ये जो रैटल स्नेक्स होते हैं ये अपने शिकार को जहर से मार देते हैं. वेनम मतलब जहर. लाइक ऑल स्नेक्स दे स्वेलो द अनफॉर्चुनेट एनिमल होल. बाकी के जो स्नेक्स होते हैं ये भी एक ही बार में एनिमल को पूरा खा जाते हैं, एक ही बार में पूरा मुँह के अंदर ले लेते हैं, फिर उसे धीरे 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 खाते रहते हैं. फ्यू स्नेक्स हैव टू ईट मोर देन वंस अ वीक एंड सम सच एज लार्ज पाइथन कैन सर्वाइव फॉर अ ईयर और मोर विदाउट ईटिंग. कुछ स्नेक्स ऐसे होते हैं जो हफ्ते में बस एक ही बार खाना खाते हैं और उनका काम हो जाता है. लेकिन बहुत सारे जो स्नेक्स होते हैं, कुछ ऐसे बड़े बड़े स्नेक्स हैं जैसे पाइथन हुआ, ये अगर साल में एक बार भी कुछ खा लेंगे तो ये पूरा साल बिना खाए निकाल सकते हैं. जस्ट इमेजिन. मोंगूस. मोंगूस क्या होता है? नेवला. हम सबने सुना है नेवले के बारे में, हमने सांप और नेवले की स्टोरीज तो सुनी है. तो नेवला जो होता है जिससे सांप बहुत डरता है, तो मोंगूस को इंग्लिश में नेवला बोलते हैं. मोंगूस लाइक टू हंट टुगेदर बट दे ऑलवेज कीप अ लुक फॉर डेंजरस प्रिडेटर्स नियर बाय. जो मोंगूज होते हैं वो एक साथ शिकार पे निकलते हैं, हंटिंग पे निकलते हैं, और ये हमेशा देखते हैं कि जो प्रिडेटर्स होते हैं, जो दूसरे शिकारी हैं, ये जैसे कि लाइन होता है ना, वो दूसरे लोगों का शिकार करता है, कि उनसे हम कैसे खुद को बचा के रखें. पोकिंग देयर नोजेस इन टू होल्स
overturning rocks with their paws and scratching the ground with their sharp claws. Banded mongoose are very amusing animals to watch. ये गड्ढों में अपनी नोज़ डाल के सूंघते हैं, स्क्रैच करते हैं, मतलब ऐसे स्क्रैच मतलब चीज़ों को खुरेदते हैं अपने पंजों से, ठीक है, क्रॉल करते हैं, इधर उधर कूदते फांदते रहते हैं. तो ये बहुत ही मतलब अलग ही इंटरेस्टिंग लगते हैं जब हम इन मोंगूज़ को देखते हैं, क्योंकि ये इनकी थोड़ी पर्सनैलिटी ऐसी कि आप जब देखोगे तो आपको लगेगा और देखें, ठीक है. अ कॉमन साइट इन मैनी पार्ट्स ऑफ अमेरिका, दे ट्रैवल इन ग्रुप्स ऑफ अबाउट 22 फोरेज फॉर बीटल्स, मिलीपेड्स एंड अदर स्मॉल क्रिएचर्स. इन्हें ज़्यादातर अफ्रीका में देखा जाता है और ये ग्रुप में ही, जैसे 20-30 लोग, 20-30 मोंगूज इकट्ठे निकल गए, ये निकल जाते हैं फॉरेज मतलब खाने की, फॉरेज मतलब खाने की सर्च करने के लिए ये निकलते हैं, और छोटे 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 जो क्रिएचर्स हैं, बीटल्स हैं, इनको ये खाते हैं, ठीक है. दे लाइक टू हंट टुगेदर, कीपिंग इन टच व्हेन वेयर एवर दे गो आउट द साइट बिहाइंड द रॉक्स और बुशेस बाय ट्विटरिंग एंड कॉलिंग. ये हमेशा एक साथ ही जाते हैं, जब ऐसा नहीं है एक मोंगू जो है वो अकेला चला गया, नहीं, आप देखेंगे हमेशा काफ़ी सारे मोंगूज़ को साथ में लेके जाते हैं और एक दूसरे के टच में रहते हैं और देखते रहते हैं कि पत्थरों के पीछे से और बुशेस से एक दूसरे को आवाज़ देते रहते हैं, ठीक है, कूद फांद करते रहते हैं. ऑलवेज ऑन द लुकआउट फॉर डेंजर्स, हमेशा देखते रहते हैं कोई खतरा तो नहीं है. हॉक्स, ईवल्स एंड लार्ज स्नैक्स, दे वॉर्न वन अनदर विद अ स्पेशल अलार्म कॉल्ड इफ़ दे स्पॉट एनीथिंग सस्पिशियस. जैसे कि वो होते हैं ना, चील होती है, ठीक है, इन सारी चीज़ों से बचना, सांपों से खुद को बचाना, और इनका कुछ स्पेशल अलार्म होता है, कोई स्पेशल सिग्नल होता है, ये हमेशा यूज़ करते रहते हैं कि अगर इन्हें कोई खतरा दिख रहा है तो तुरंत उस इशारे से अपने सारे अदर दूसरे मोंगूज़ को होशियार कर देते हैं कि उन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है. मोंगूज़ आर फेमस फॉर बीइंग एबल टू किल स्नैक्स विदाउट गेटिंग हर्ट देमसेल्व्स, देयर रिएक्शन आर सो फास्ट दे कैन डॉज ईच टाइम द स्नैक स्ट्राइक्स. हम सब ने सुना है सांप और नेवले की जो स्टोरी है कि इन दोनों की आपस में बिल्कुल नहीं बनती है, और ये जो नेवले होते हैं ये सांप तक को मार सकते हैं, ठीक है, और इनके ये इतने फास्ट होते हैं कि जितनी देर में सांप उठ के दोबारा स्ट्राइक करने की कोशिश करेगा, डॉज मतलब ये बहुत स्पीड से दूसरी साइड पहुंच जाते हैं और अपने जो दुश्मन है सांप उससे पीछा छुड़ा लेते हैं, ठीक है. दे कंटिन्यूअली मेक अ न्यूसेंस फॉर देमसेल्फ अनटिल आफ्टर अ वाइल देन द स्नेक्स गेट टायर्ड, दे क्विकली डाइव इन फॉर टू किल. ये क्या करते हैं, इधर से उधर, सांप जितनी देर में ऊपर नीचे जो भी करेगा, वो सांप लेफ्ट में आया तो वो फटाफट से राइट में, ये सांप लेफ्ट राइट में आया तो ये लेफ्ट में, ये क्या करते हैं ऐसे कर करके सांप को बिल्कुल थका देंगे, बिल्कुल टायर्ड हो जाएगा सांप और फिर वो सांप को मार देते हैं, ये इनकी टेक्निक होती है. ऑल द फीमेल मोंगूज हैव देयर किटन एट अबाउट द सेम टाइम, दे आर रेस्ड बाय द होल ग्रुप इन अ डेन मेड इनसाइड एन ओल्ड टर्माइट माउंट और हॉलो लॉग. जो भी जो फीमेल मोंगूज होती हैं ये एक साथ अपने बच्चों को जन्म देती हैं, एक ही टाइम पे जन्म देती हैं और एक ही साथ उन्हें पाल पोस के बड़ा करती हैं, और गड्ढों के अंदर ये रहते हैं ज़्यादातर, ठीक है, बहुत ही हॉलो मतलब पोपले किस्म के जो गड्ढे होते हैं उसके अंदर जाकर रहते हैं. व्हेन मोस्ट ऑफ द अडल्ट्स आर आउट लुकिंग फॉर फूड, वन और टू मेल्स स्टे बिहाइंड टू स्टे गार्ड अंटिल द अदर्स रिटर्न फॉर द नाइट. जब बाकी के मोंगूज जो हैं वो शिकार पे जाते हैं कि वो खाना लेकर आएंगे, तो दो या तीन मेल जो हैं, मेल मोंगूज हैं, वो रुक जाते हैं फीमेल्स के साथ में, कि जिससे कि अगर कोई दुश्मन आए और परेशान करने की कोशिश करे तो ये उन अपने बच्चों को और उन फीमेल्स को बचा लें, ठीक है. अनदर एनिमल विच लिव्स इन द डेजर्ट इज कैमल, ऊँट. हम सब जानते हैं ऊँट के बारे में, वो डेजर्ट एनिमल है, वो हमेशा से ही रेगिस्तान में रहता है. कैमल्स वर फर्स्ट डोमेस्टिकेटेड बाई पीपल मैनी थाउजेंड्स ऑफ ईयर अगो. बहुत ही सालों पहले कैमल को हम ह्यूमन बींग्स ने ही डोमेस्टिक एनिमल बनाया था, उसको हमने अपने साथ में रखना शुरू करा, उसको यूज़ करना शुरू करा डिफरेंट पर्पज़ से. जो रेगिस्तान में लोग होते हैं वहाँ पर आप देखेंगे उन्होंने कैमल डेफिनेटली पाले ही होते हैं अपने अपने घरों में. इन द वाइल्ड कैमल्स यूजली लिव इन स्मॉल ग्रुप ऑफ अप टू 30 एनिमल्स. जो जंगली कैमल्स होते हैं वो छोटे छोटे ग्रुप्स में रहते हैं और उनके ग्रुप्स में लगभग 30 कैमल होते हैं एक बार में. कैमल्स हैव लॉन्ग शैगी विंटर कोट्स टू कीप वार्म
एंड शॉर्टर टाइडर कोट्स इन समर टू कीप कूल। जो कैमल्स होते हैं इनके पास ना कोट होते हैं, जब विंटर होती है, ठंड होती है, तो एक शैगी कोट, एक मोटा कोट यूज़ करते हैं जिसकी वजह से ये गर्म रहते हैं, और वो कोट छोटा सा होता है। और जो समर्स आती हैं तब ये टाइडर कोट यूज़ करते हैं, वो पतला होता है जिसकी वजह से ये ठंडे रख पाते हैं खुद को। अ थर्स्टी कैमल कैन ड्रिंक एज मच एज 30 गैलन्स ऑफ वाटर, दैट्स अबाउट 500 फुल ग्लासेस। आप ये समझ लो 30 गैलन पानी कैमल्स एक बार में पी सकते हैं, यानी कि अगर जैसे हम ह्यूमन बींग्स हैं, हम ग्लास से पानी पीते हैं, तो 5,000 ग्लास हो गया वो, तो ये सोचिए इतना पानी पी जाते हैं एक बार में इन जस्ट 10 मिनट्स, वो भी सिर्फ 10 मिनट में। नॉर्मली हाउ एवर इट गेट्स ऑल द मॉइस्चर इट नीड्स फ्रॉम डेजर्ट प्लांट्स एंड कैन सर्वाइव फॉर अप टू 10 मंथ्स विदाउट ड्रिंकिंग एनी वाटर एट ऑल। नॉर्मली क्या होता है, इनको जो भी पानी चाहिए होता है वो इन्हें डेजर्ट में जो प्लांट्स वगैरह को खा के उनके अंदर जो पानी होता है उससे मिल जाता है, और ये उसकी मदद से कम 10 महीने अगर इन्हें पानी ना भी मिले तब भी आराम से अपना टाइम काट लेंगे, इन्हें प्रॉब्लम नहीं होगी, ये जी सकते हैं। देर आर टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ कैमल, कैमल दो तरह के होते हैं, वन आर डॉर्मिडरी एंड हैज ओनली सिंगल हम्प एंड द अदर इज़ कॉल्ड बैक्ट्रिन कैमल एंड हैज़ टू का हम्प। जैसे कि ये जो है, यहाँ पे आप ये जो उठा उठा सा देख रहे हैं कैमल के ऊपर, ये जो माउंटेन जैसा है, तो ये हम्प होता है, ठीक है। अगर ये सिंगल है, बस एक ही है, तो ये होगा डॉर्मिडरी कैमल, लेकिन जैसे कि हम देख रहे हैं ये दो हम्प है यहाँ पे, तो ये बैक्ट्रिन कैमल है, ठीक है। द हम्प हेल्प द एनिमल टू सर्वाइव इन डेजर्ट, की जो हम्प होता है ये इन कैमल्स को सर्वाइव करने में, जीने में मदद करता है, बाय एक्टिंग एज स्टोरेज कंटेनर, ये चीज़ों को स्टोर करके रखता है अपने अंदर। बट दे डोंट स्टोर वाटर, लेकिन ऐसा नहीं है कि इस हम्प के अंदर पानी स्टोर करके रखता है, एज मैनी पीपल रॉन्गली बिलीव, जैसे कि हम लोगों को लगता है कि अरे शायद इन्होंने पानी स्टोर करके रखा है, तो ऐसा नहीं है, वो स्टोर पानी नहीं करते हैं। दे आर फुल ऑफ फैट, उसके अंदर फैट होता है बहुत सारा। दिस फैट नरिशेज द कैमल वेन फूड इज स्कार, इफ दे हैव नथिंग टू ईट फॉर सेवरल डेज देयर हम्प्स श्रिंक एज द फैट इज़ यूज अप। अगर कैमल्स को ज़्यादा वक्त के लिए खाना नहीं मिल पाता है, खाने की कमी हो जाती है, तो उनकी बॉडी में इतना फैट होता है कि ये कुछ वक्त अपना आराम से निकाल लेंगे, लेकिन अगर बहुत दिनों तक खाना ना मिले तो इनका ये जो फैट है ये सिकुड़ जाता है, ठीक है, क्योंकि वो फैट यूज़ हो रहा होता है बॉडी में। देर आर मैनी अदर वेज इन विच कैमल्स आर अडेप्टेड टू डेजर्ट लाइफ, देयर माउथ्स आर सो टफ दैट इवन शार्प थॉर्न कैन नॉट पियर्स देयर पियर्स थ्रू। बहुत ही अलग अलग तरीके होते हैं जिसकी हेल्प से ये जो कैमल है अपनी ज़िंदगी रेगिस्तान में बिताता है, और इनका जो माउथ होता है वो इतना टफ होता है कि अगर कोई पिन या कोई कांटा जो है उनके माउथ में जाए, चाहे वो कितना भी शार्प हो, लेकिन वो उनके मुंह के अंदर नहीं, मतलब उसको फाड़ नहीं पाएगा, इतना ज़्यादा हार्ड होता है उनका माउथ, जस्ट इमेजिन। तो ये थी हमारे डेजर्ट एनिमल्स की स्टोरी, आई होप सो आपको पसंद आई, और आपको आइडिया लगाओ कि जो डेजर्ट्स के एनिमल्स होते हैं और जो डेजर्ट की लाइफ होती है वो कितनी अलग होती है, कितनी डिफ़िकल्ट होती है। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और बेल आइकन को हिट करिए, ठीक है। सो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू वेरी मच।